सो है गाइस, जैसे अभी हम लोग बिग बाजार फूड फैक्ट्री में और हम लोग आए हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिनर करने के लिए। और हमारे साथ हमारे फ्रेंड देख सकते हैं, हमारे पीछे हमारे कृष्णा भैया जो पीछे है, जो इधर हमारे जस्ट बगल पे है देख सकते हैं। और अभी हम लोग आए हैं फूड फैक्ट्री में, देखते हैं डिनर के लिए हम क्या ऑर्डर करते हैं। तो ब्लॉग के साथ कंटिन्यू रहे, आपको दिखाता हूँ यहाँ बिग बाज़ार में फूड फैक्ट्री का क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या वैराइटीज़ है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए ब्लॉग के साथ कंटिन्यू रहे, मिलते हैं कुछ देर पे, चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. Guys, हमारा डिनर जो है था डोसा, साउथ इंडियन डोसा, ये हमारे पास आ चुका है और हम सब इसे खाने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं मेन कैमरा से, फर्स्ट बाइट हमारा कृष्ण भैया ले रहे हैं, दूसरा हमारे ये भैया ले रहे हैं। बहुत ही टेस्टी है, कैसा फीडबैक है आप बता सकते हैं? कृष्ण भैया तो ये अच्छा है, आप बताइए इसका टेस्ट कैसा था? अच्छा, भाई कह रहे हैं फूड फैक्ट्री जो कि बिग बाजार में, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो भाई हमारा रणवीर सिंह तो अब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उससे जानते हैं, हमारे कृष्ण भैया है उनसे जानते हैं टेस्ट कैसा है। तो हम लोग कैमरा लेके चलते हैं कृष्ण भैया के पास। कृष्ण भैया बताएं टेस्ट कैसा है? काफ़ी क्रिस्पी है, हाँ, मसाला डोसा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बाकी पूरा खाकर बताते हैं कैसा है। चलते हैं हमारा मॉडल रवि, अब इनसे जानते हैं इनका क्या फीडबैक है। फिलहाल ये टेस्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट करें गले में लेंगे। तो भाई का क्या कहना है? बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो रवि का कहना है बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन आप भी एक बार विजिट करें, आगे आइए और यहाँ का जो टेस्ट है उसका स्वाद का मजा लीजिए। चलिए ब्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, जैसे कि अभी हम लोग डोसा खा चुके हैं, अब हम लोग ऑर्डर किए हैं मोमोज यही फूड फैक्ट्री में। आप देख सकते हैं ये हमारा मोमोज है। तो अब आप जानते हैं कि मोमोज का क्या फीडबैक मिलता है टेस्टिंग करने से। पहले हमारा रणवीर सिंह टेस्ट करेंगे, ये हमारे रणवीर सिंह जो कि टेस्ट करने जा रहे हैं, खाए हैं। बताइए रणवीर सिंह कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट। तो भाई कह रहे हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मतलब कि मोमोज भी फीडबैक में अच्छा ही निकला है। अब चलते हैं कृष्ण भैया के पास, वो क्या कहते हैं। जब हम लोग आए कृष्ण भैया के पास, हाँ चलिए खा के देखेंगे, टेस्ट लेंगे। मेयोनीज के साथ टेस्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसा है। लमसम कह सकते हो, ठीक है, बेस्ट भी नहीं है। तो कृष्ण भैया का कहना है लमसम ठीक है, उतना बेस्ट भी नहीं है। बाकी आप आ ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिनर कर चुके हैं, हम लोग चले हैं बाहर, देखते हैं बाहर से क्या होता है। हमारा सारा फ्रेंड बाहर पे ही है, तो मैं चल रहा हूँ बाहर। तो आपको दिखाते हैं हम लोग बाहर आ गए हैं, ये फूड फैक्ट्री आप देख सकते हैं बाहर। यहाँ पर आते के साथ देख रहे हैं यहाँ रवि फूड शूट में लगा हुआ है, हमारा कृष्ण फोटोग्राफी करते हुए। तो फिलहाल ये है वो रेस्टोरेंट फूड फैक्ट्री, आप देख सकते हैं यहीं पर हम लोग आए थे। A few moments later. सो गाइज, जैसे कि अब हम लोग निकल चुके हैं बिग बाजार से और हम लोग रहे रास्ते में, और हमें मिले एक यहाँ पर चाय का दुकान, तंदूरी चाय का दुकान जो कि फेमस चाय का दुकान है। और अब हम लोग चलते हैं कृष्ण भैया के पास, चाय का टेस्ट बताइए कृष्ण भैया कैसा चाय है। ऑलरेडी यहाँ पे जब भी कोई आता हूँ मैं यहीं से पी के जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छी चाय बनाते हैं भैया जी। रणवीर भैया बताएंगे, यहाँ का चाय बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है। और हमारे रवि जी, अरे बहुत अच्छा। तो आप देख लिए यहाँ का फीडबैक कैसा लगा चाय। तो अगर आप यहाँ से गुजरेंगे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, मैं दुकान का ऑनर्स मिला दूंगा। A few moments later. So guys, जिसके मैं चाय पी रहा हूँ और मैं दुकान के ऑनर्स से मिलाता हूँ, ये भैया है, क्योंकि बताएंगे दुकान कहाँ पे, बताइए भैया। ये हो गया आपका स्टील गेट, प्रगति नर्सिंग होम के ऑपोजिट। यहाँ दोस्तों ये है स्टील गेट रोड पे, प्रगति नर्सिंग होम के ऑपोजिट पे। तो आप यहाँ आएंगे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत ही अच्छे टेस्टी चाय बनाते हैं। चलिए आपको बाहर से दिखाते हैं इस दुकान के कैसे देखने मिलते हैं, चलिए मिलते हैं कुछ देर में। A few moments later. So guys, जैसे कि ये है चाय चस्का कैफे,
कुल्हड़ तंदूरी चाय, ये वो दुकान है। आप यहाँ आएंगे एक बार ज़रूर विज़िट करें। ऑपोजिट यहाँ आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह का सामने का नज़ारा मिलेगा। आप यहाँ जब भी क्लोज होंगे तो एक बार जाके यहाँ विज़िट कर लीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।